वालेकुम नाजरीन कराम नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं टेक्निकली तो काजी साहब को उसी दिन नसीफा दे देना चाहिए था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों ने मखसूस नश्तों वाले केस का फैसला पीटीआई के हक में सुनाकर काजी साहब पर परमाद का इजहार कर दिया था अखलाकी तौर पर तो काजी साहब को उसी दिन हथियार डाल देने चाहिए थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में वो अक्सरियत खो बैठे थे लेकिन शायद काजी साहब ने मजीद रसवा होकर सुप्रीम कोर्ट से निकलने का फैसला किया सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब को एक और बदतरीन शिकस्त हुई है सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जस्टिस अतर मनाल्ला सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो अपने रिमार्क्स के हवाले से अपने फैसलों के हवाले से बड़े ज़बरदस्त जाने जाते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला एक दफ़ा फिर छा गए हैं ख़बर की मुकम्मल तफसीत में आपको बता देता हूँ नाजिन इकराम वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल काजी साहब के हाथ से उसी दिन निकल गया था जिस दिन काजी साहब ने मखसूस नशिशों वाले केस का फैसला आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से पढ़वाया था जिस दिन मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिशतों वाले केस का मुख्तसर फैसला सुनाया था तमाम तर लोगों को पता चल गया था कि काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल अब मंसूर अली शाह को दे दिया यानी मंसूर अली शाह ने बायदा सुप्रीम कोर्ट का टेक ओवर कर लिया है काजी साहब को दूसरी बदतरीन शिकस्त उस टाइम हुई जब नून लीग ने मखसूस नशस्तों वाले केस की नज़र ानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और वह दरख्वा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने आई उस दरखास्त को कब समत के लिए मुकर किया जाए उस वक़्त भी काजी साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दो एक से शिकस्त हुई यानी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने यह फैसला दिया कि नून लीग की यह नजर ानी दरख्वास्त गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी जब तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के जजिस अपनी छुट्टियाँ गुजार कर वापस आ जाएंगे काजी साहब फौरी तौर पर इस नज़र षानी दरख्वास को सुनना चाहते थे मुकर करना चाहते थे क्योंकि ये केस का फैसला काजी साहब के अपने मुस्तबिल का फैसला था क्योंकि अगर इस केस की समाज जल्द मुकर नहीं होती तो काजी साहब को अपनी मुकर मुदत में रिटायर होना पड़ेगा तीसरी बात तरीन शिकस्त काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट में आज हुई है ये जो कुछ काजी साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है ये उन तमाम तर कामों का नतीजा है जो काजी साहब पिछले कई माह से कर रहे हैं यानी जब आप इंसानी हकूक़ की बदतरीन ख़िलाफ़ वर्जियों पर आंखें बंद करेंगे जब आप अपने साथी जजिस पर दबाव आता देखेंगे और चुप रहेंगे तमाम तरह हाई कोर्ट के जजिस आपको ख़त लिख लिख कर कहेंगे कि हमें मुकम्मल इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है हमारे कामों में मुदाखलत की जा रही है और आप खामोश रहेंगे तो आपके साथ फिर वही होगा जो काज साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है क्राम अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की दरखास्त की थी काजी साहब की पहले दिन से ये कोशिश रही कि किसी तरह से आ, उनकी मर्जी का बेंच अर्शद शरीफ शहीद केस की समाप्त करें आप सब जानते हैं कि क्यों काजी साहब की ये कोशिश है कि उनकी मर्जी का बेंच बने जो इस केस की समाप्त करे क्योंकि इस दरखास्त में अर्शद शरीफ की वालदा ने आ उन इस्टेबलिशमेंट के लोगों को नामजद किया है जो बड़े ताकतवर हैं जिनका नाम इस दरखास्त में है तो काजी साहब किसी सूरत ये नहीं चाहते थे कि कोई आज़ाद बेंच कोई आज़ाद जजीजाइन पसंद जजेज इस केस की समात करें लेकिन बिलाखिर काजी साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तीसरी बड़ी शिकस्त हो गई है कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम तरीन इजलास था यानी सुप्रीम कोर्ट के जो तीन मोस्ट सीनियर जजेज़ हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, प्रोसीजर कमेटी में आ, काजी साहब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इन तीनों का अजलास हुआ कि अरशद शरीफ शहीद केस की समात कौन सा बेंच करेगा और काजी साहब यहाँ भी अक्सरियत खो बैठे यहाँ भी काजी साहब को बदतरीन शिकस्त हुई और सबसे इम्पोर्टेंट जस्टिस अतर मिनल्ला है जस्टिस अतर मिनल्ला कैसे छा गए मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो पाँच रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है अर्शद शरीफ केस की समात के लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और काजी साहब को बड़ी की बहुत बड़ी शिकस्त है क्योंकि इससे पहले अर्शद शरीफ शहीद की इसकी समात तीन रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का कर रहा था और पहले दिन से काजी साहब इस केस में आए बाएं शाएँ जेरवा अल्तवा का शिकार करने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि इस केस का खुरा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा था ताकतवर लोगों की तरफ जा रहा था जिनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अपनी दरख्वास्त में लिखे हैं तो कैसे काजी साहब आयन पसंद जजिस को इस केस की समाप्त के लिए मुक्र कर सकते हैं बहरल अब काजी साहब के हाथ से गेम निकल चुकी है पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पाँच रुकनी लार्जर बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तश्कील दे दिया है जिसकी सरब्राहिही जस्टिस जमाल मंदोखेल करेंगे जमाल मंदोखेल के साथ आयशा मलिक जस्टिस हसन अजहर रिसवी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और पाँचवें जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे सबसे बड़ी ख़बर जस्टिस अतर मिनल्ला की इस बेंच में होना है सब जानते हैं उनका स्टांस उनके रिमार्क्स सब जानते हैं उनके दिलेराना फैसले जस्टिस अतर मिनल्ला अब अरशद शरीफ शहीद केस की समात करने वाले बेंच का हिस्सा होंगे ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक के लिए भी अर्शद शरीफ शहीद केस से जो जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पर तमाम तर सहाफ़ती कम्यूनिटी के लिए क्योंकि मुझे याद है जब अर्शद शरीफ शहीद अभी बैरून मु मुल्क नहीं रवाना हुए थे अभी वो पाकिस्तान में मौजूद थे उस वक्त जस्टिस अतर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस अतर मीना अरशद शरीफ को सिक्योरिटी देने का बार बार विफाक़ी हुकूमत को कहते रहे बार बार कहते रहे कि सहाफ़ियों को सिक्योरिटी फराम की जाए तहफ़ फ्राहम किया जाए अरशद शरीफ के मामले का नोटिस भी अतर मनाला ने लिया था लेकिन अचानक अरशद शरीफ बैरून मुल्क रवाना हुए और फिर जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में काज साहब ने मुखालफत की थी पांच रुकनी लार्जर बेंच की यानी काजी साहब का ख्याल था कि ये तीन रुकनी लार्जर बेंच होना चाहिए और काजी साहब की मर्जी के जजेज होने चाहिए काजी साहब जिन जजिस को नॉमिनेट करें उन जजिस को अर्शद शरीफ शहीद केस को सुनना चाहिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंतहाई अहम केस है यानी एक सीनियर सहााफ़ी को बैरून मुल्क शहीद किया गया पाकिस्तान का नामवर सहाफ़ी जिसे बेशुमारवॉर्ड्स मिले तमग़े मिले उसको बेदर्दी से बैरून मुल्क शहीद किया गया इंतई इम्पोर्टेंट केस है लेकिन इस केस की समात में काजी साहब खुद नहीं बैठे आप ये बात नोट कीजिएगा कि काजी साहब ख़ुद इस बेंच की सरबराही नहीं कर रहे उन्होंने जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल को इसकी सरबराही दी है अब सहाफ़ी ये कहते हैं कि काजी साहब अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देते हालांकि होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि ये इंतहा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये इंतहा हाई वैल्यू टारगेट केस है ये केस खुद काजी साहब की सरबराही में सुना जाना चाहिए था एक लम्बे के लिए मान लिया जाएगा अगर इस केस का ताल्लुक किसी कहीं ना कहीं पीटीआई से होता अगर तहरीक इंसाफ इसमें दरख्वास्त गुजार होती तो हर सूरत काजी साहब ने खुद इस बेंच में शामिल होना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में काजी साहब का नाम भी तजवीज किया गया था लेकिन काजी साहब ने इस केस की समाप्त या इसे सुनने से माजरत कर ली काजी साहब ने इनकार कर लिया वैसे तो साहब ने इस पांच रुकनी बेंच की भी मुखालफत की और काजी साहब का यह मानना था कि कोई तीन बेंच होने चाहिए जिनमें एन मुमकिन है कि काजी साहब जस्टिस यैया फरीदी नईम अख्तर अफगान या जस्टिस शाहिद वहीद यानी वो जजिस जो कह लें कि काजी साहब के कहे सुने में हैं उन जजेस को काज साहब इस बेंच का हिस्सा बनाना चाहते थे लेकिन काज साहब एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत खो बैठे माइनॉरिटी में आ गए माइनॉरिटी में मेजोरिटी में दो सीनियर जजेज आ गए अब इस केस की समाप्त गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुकर की जाएगी लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंच तश्कील पा चुका है और ये वो बेंच है जिससे हम कम अज कम इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं क्योंकि इस बेंच में शामिल कम अज कम तीन जजेज ऐसे हैं जिनसे तो कर सकते हैं कि ना वो किसी के ड्रावे में आएंगे ना प्रेशराइज उन्हें किया जा सकता है जिसमें जमाल खान मंदो खेल बड़े ज़बरदस्त अपराइट जज हैं गो के उनके नज़रियात से आप इख्त कर सकते हैं लेकिन वो किसी के ड्रावे में आने वाले जज नहीं हैं फिर सबसे बढ़कर जस्टिस अतर जस्टिस ऐशा ए मलिक जस्टिस ऐशा मलिक बड़ी दबंग जज हैं ज़बरदस्त जज हैं तो ये तीन वो जजज हैं इस लार्जर बेंच में जिनसे कम अज कम मुझे ये उम्मीद है कि वो तमाम लोग जिनको अरशद शरीफ की वालदा मुतरमा ने दरखास्त में नामजद किया था उनको लाजमी कटहरे में खड़ा करेंगे इससे लाजमी सवालों जवाब होंगे तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है और अब हर गुजरते दिन के साथ ये कम कम से अख्तर ने ले लिया है, कराम एक अफसोसनाक चीज़ है जो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजिस को जिनमें कम अज कम पहले पांच जजेज उनको अर्षद शरीफ शहीद केस की समात में लाजमी बेंच का हिस्सा होना चाहिए था अगर काज साहब डर रहे थे उनको डरने देते मंसूर अली शाह मुनीब अख्तर या आफरीदी या और शाहिद वहीद साहब ये आ जाते ये आने वाले अपकमिंग चार चीफ जस्टिस साहिबान हैं कम अज़ कम इनको इतने अहम तरीन केस की समाप्त में का हिस्सा होना चाहिए था लेकिन ठीक है अगर वो बेंच का हिस्सा नहीं भी हैं कम अज कम अतर मिनल्ला आयशा मलिक और जमाल ख़ान मंदो से हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इस बेंच में बड़े फ़ैसले देंगे बड़े हुक्म देंगे जिस तरह मोहसिन अख्तर कीनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाधत के दौरान तगड़े हुक्म दे रहे हैं वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं पैटर्न सेट कर रहे हैं कि किस तरह से आइनों कानून के मुताबिक एक आज़ाद जज अगर चले तो बड़े बड़े लोगों की दौड़ें लगा सकता है सो सुप्रीम कोर्ट से ये अब तक की बड़ी डिवेलपमेंट है कि काजी साहब को एक और शिक्षत हुई है इसी वजह से पिछले एक हफ्ते से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अमेंडमेंट की जा सकती है क्योंकि ये वही बिल है जो पार्लियामेंट ने काजी साहब के लिए मंजूर किया के चीफ़ जस्टिस के तीन जजिस को डिवाइड किए जाएं लेकिन वो बिल खुद काज साहब के गले की हड्डी बन चुका है फिर हर, हर कमेटी के इजलास में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की काज साहब से तलक कलामी हो जाती है और फिर काज साहब को शिकस्त हो जाती है लेकिन इसके बावजूद काजिर तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं ये वही बात है कि शायद काजिर होकर सुप्रीम कोर्ट से निकलना चाहते हैं बहल देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है तो नाजन कर आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा